छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को प्रशांति वृद्धाश्रम कोरबा में वरिष्ठ जनों के साथ स्वर्गीय बिसाहूदास जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश परसाई उपस्थित थे। श्रद्धांजलि देने के उपरांत श्री परसाई व किरण चौरसिया ने वृद्धाश्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया और सूखा राशन सामग्री वितरित की। श्री परसाई ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय बिसाहूदास किसान के बेटे थे और उन्होंने जीवन पर्यंत सेवा भाव के साथ कार्य किया। पूरे प्रदेश भर में इसी कड़ी में आज कोरबा में आप श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो प्रतिवर्ष सारा गांव से शुरू होता हूं, जांजगीर तक जाता था। अब यहां चूंकि मूर्ति पिछले कई सालों से लग गई है, तो जहां जहां उनकी मूर्ति लगी, जहां जहां उनको पुण्यतिथि में याद करते हैं, मैं सब जगह पहुंचता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि 42 वर्ष होने के बाद भी मेरे पिताजी को इतना प्यार दिया है लोगों ने, अपने दिल में बता रखा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा कुछ किया होगा, प्रेम बांटा होगा, दर्द सहा होगा, और उसी प्रेम और दर्द को देखने